नमस्कार, मैं हूं शिल्पा और स्वागत करती हूं आपका इजी लाइफ बाय शिल्पा में। मेरे चैनल के और भी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब के सर्च ऑप्शन पर टाइप कीजिए इजी लाइफ बाय शिल्पा। आपको मेरे सारे वीडियोस की लिस्ट मिल जाएगी, कृपया सभी वीडियोस को भी ज़रूर देखें। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ घर के पोर्च एरिया या एंट्रेंस एरिया का मेकओवर, जो कि मैंने 2 दिन में कंप्लीट किया है। ये बहुत ही सुंदर लग रहा है और घर पर मौजूद चीज़ों से ही मैंने ये सारा मेकओवर किया है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक पुराना लकड़ी का रैक है, आप देख सकते हैं इसका पेंट जगह जगह से निकल गया है, तो मैं इसे पेंट करके अपने पैसेज एरिया में यूज़ करूँगी। घर को मैंने पेंट करवाया है तो उसमें से ही ये वाइट कलर का ऑयल पेंट भी बच गया है, तो वो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ। एक बार पूरा पेंट हो जाने के बाद इसे अच्छी तरह से ड्राई होने दीजिए। कलर जब सूख जाए तब मैंने इसमें दोबारा से पेंट किया है, जिससे वाइट कलर बहुत अच्छे से निखर कर आया है। इसी तरह से मेरे पास एक पूजा की पुरानी चौकी है, इसे भी मैंने वाइट बचे हुए ऑयल पेंट की सहायता से पेंट कर दिया है। इस पर भी मुझे 2 कोट लगे पेंट के। अब बारी है गमलों को नया लुक देने की। यहाँ पर मैंने साफ और सूखे कपड़े से गमलों को अच्छी तरह से घिस कर पोंछ दिया है। इसके बाद मैंने रेतमार पेपर या सैंड पेपर से गमलों को अच्छी तरह से घिस दिया है, जिससे कि हमें इवन सरफेस मिल जाए। अब ये गमला पेंटिंग के लिए तैयार है। घर में हाल ही में पेंटिंग हुई है तो इंटीरियर वॉल इमल्शन मेरे पास थोड़ा सा ब्लू कलर का बचा हुआ है, मैं इसी कलर को गमलों पर पेंट करूँगी। एक ब्रश की सहायता से गमले को अच्छी तरह से पेंट कर रही हूँ। ये इमर्शन थोड़ा सा ही बचा है और रखा रखा ज़ाया होना ही है, इसीलिए इसका यूज़ मैं गमलों में कर लेती हूँ, तो कलर भी अच्छा लगेगा और कुछ डिफरेंट लुक देगा। एक बार अच्छे से कोट करने के बाद अगर ज़रूरत पड़े तो आप पेंट का डबल कोट भी कर सकते हैं। ये गमला मेरा तैयार है, सूखने के बाद भी मुझे इस पर डबल कोट करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है, ऐसे ही मैंने कुछ गमले ब्लू कलर से पेंट कर लिए हैं। इसी तरह से मेरे पास थोड़ा सा लाइट ऑरेंज कलर का भी वॉल इमल्शन बचा हुआ है, मैंने गमलों को अच्छी तरह से साफ कर लिया है और इसे भी मैं पेंट कर रही हूँ गमलों पर। कोशिश कर रही हूँ कि सेम साइज़ के गमले एक ही कलर में पेंट हो जाएं। एक बार पेंट हो जाने के बाद इसे सूखने देती हूँ, क्योंकि ये लाइट कलर है तो मुझे आवश्यकता लग रही है कि इस पर डबल कोट किया जाए, तो इस पर डबल कोट कर देते हैं। अब इसे अच्छी तरह से सूखने देते हैं। इसी तरह से मेरे पास रेड इमल्शन भी बचा हुआ है, कुछ ही गमले बचे हुए हैं तो उन्हें रेड कलर से कोट कर देती हूँ।
मुझे सिंगल कोट में ही बढ़िया कलर मिल गया है। अब मेरे पास बचा हुआ है पीच कलर का ऑयल पेंट। कुछ प्लास्टिक के गमले भी हैं मेरे पास, तो इन गमलों पर ऑयल पेंट ही चलेगा। तो मैंने इस कलर में थोड़ा सा थिनर मिलाया और फिर सारे प्लास्टिक के गमले मैं इससे पेंट कर देती हूँ। यहाँ पर मेरे पास चीनी मिट्टी की चाय की कुल्हड़ है, तो इसे भी मैं पीच कलर के ऑयल पेंट से पेंट कर देती हूँ। ये डेकोरेशन में काम आएगा। अच्छी तरह से इन सारे गमलों को सूख जाने देती हूँ। गमलों के पीछे सीमेंटेड एरिया है जो पानी की वजह से ख़राब हो गया है। मेरे पास अभी भी रेड कलर का वॉल इमर्शन बचा हुआ है, तो मैं उसे यहाँ पर पेंट कर देती हूँ। ये बहुत सुंदर दिख रहा है। थोड़ा सा पेंट अभी भी मेरे पास बचा हुआ है, तो घर के गेट के सामने बॉर्डर लाइन मैं इससे पेंट कर देती हूँ। ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब मैंने ब्लू और लाइट ऑरेंज कलर की तरह ही रेड कलर भी पूरा इस्तेमाल कर लिया है। मैंने गमले अच्छे से अरेंज कर दिए हैं। घर के एंट्रेंस के जस्ट सामने मैंने ये लकड़ी का रैक रखा है। इस रैक के सबसे ऊपर मैंने कांच का एक वाज लिया है जिसमें पानी भरा है और इसमें मनी प्लांट की ताज़ी बेल काटकर डाल दी है। बहुत सुंदर और फ्रेश लुक दे रही है ये। सेकेंड शेल्फ पर मैंने ये एक बहुत सुंदर आर्टिफैक्ट रखा है जो कि वास्तु के हिसाब से भी एंट्रेंस एरिया में बहुत अच्छा है। थर्ड रैक में मैंने हैंड डेकोरेटेड ग्लास का जार रखा है जिसमें आर्टिफिशियल प्लांट्स डाल दिए हैं। और रैक में सबसे नीचे वाले शेल्फ में मैंने चीनी मिट्टी के जो कुल्हड़ पेंट किए थे उनमें आर्टिफिशियल प्लांट रख दिए हैं और बीच में एक क्यूट सा आर्टिफैक्ट रख दिया है। तो ये पुराना लकड़ी का रैक अब बहुत ही सुंदर रूप में आ गया है। इस रैक के दोनों साइड मैंने दो लकड़ी के स्टूल रखे हैं जो कि मुझे अब काम में नहीं आते। इन स्टूल्स पर मैंने चीनी मिट्टी के प्लांट वाज रखे हैं जो कि मैंने हैंडीक्राफ्ट फेयर से लिए थे। अब प्लास्टिक के छोटे गमलों को मैं इन वाजेज में रख दूंगी। देखिए बहुत सुंदर और फ्रेश लुक दे रहा है और वाइट का कॉम्बिनेशन जम रहा है। इसके राइट साइड में मैंने यहाँ कार्डबोर्ड पर बनी हुई हैंडमेड पेंटिंग लगाई है जो कि घर के बच्चों ने ही बनाई है। वाइब्रेंट कलर होने के कारण ये बहुत अच्छा लुक दे रही है। इस राइट कॉर्नर में मैंने
बड़ा मनी प्लांट का गमला रखा है। मॉस्टिक की सहायता से मैंने मनी प्लांट को ऊपर चढ़ाया है। मनी प्लांट करीब 5.5 फीट हाइट का अभी है और मॉस्टिक मेरी छत तक हाइट की है। ये मॉस्टिक मैंने घर पर ही बनाई है और इसका वीडियो आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। मिनटों में तैयार होने वाली और सालों साल चलने वाली ये मॉस्टिक बड़ी ही काम की चीज़ है। कृपया इस मॉस्टिक के वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। वीडियो के अंत में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर इस वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी, कृपया इसे भी ज़रूर देखिएगा। एंट्रेंस के राइट साइड में इस कॉर्नर का लुक बहुत ही अच्छा आ रहा है। एंट्रेंस के लेफ्ट में एक पतली सी दीवार है जहाँ पर कि एक ही खीले में मैंने 3 छोटी पेंटिंग्स को डोरी की सहायता से बांधकर कुछ इस तरह से लटकाया है। ये भी एक बहुत अच्छा लुक दे रही है। रैक के सामने जो कि पूजा की पुरानी चौकी मैंने पेंट की थी उसे रख दिया है। ये एक बैठक का भी काम करेगा और बहुत यूजफुल होगा जबकि शूज़ उतारने या पहनने हों। इस एरिया में मैंने गमलों को भी अरेंज कर दिया है। प्लास्टिक के गमले भी बाउंड्री वॉल पर रखे हुए बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब एंट्रेंस के लेफ्ट साइड में मैंने गमले अरेंज कर रखे हैं। गमलों के पीछे सीमेंटेड एरिया में रेड कलर जो पेंट किया था वो बहुत ही सुंदर लुक दे रहा है। मेन डोर के लेफ्ट साइड मैंने 2 गमले रखे हैं। लोहे का पुराना मटका स्टैंड मैंने वाइट ऑयल पेंट से पेंट करके एक गमले को रखा है उस पर। यहाँ की वॉल मुझे कुछ खाली खाली सी लग रही है तो यहाँ पर मैंने हाथ से बनी हुई गणपति जी की एक पेंटिंग लगा दी है जो कि अब बहुत ही लुभावनी लग रही है। एंट्रेंस के लेफ्ट मोस्ट भाग में मेरे पास 2 शेल्फ हैं जिसमें कि ऊपर वाले शेल्फ में मैंने प्लास्टिक का गमला रखा है जिसमें नेचुरल प्लांट है। नीचे वाले शेल्फ में मैंने पुरानी अचार की बरनी में पानी भर के उसमें मनी प्लांट की बेल लगा दी है। फ्रेश लुक तो ये दे ही रहा है और बड़ा ही रस्टिक लुक भी दे रहा है। इस अचार की बरनी का ढक्कन भी मेरे पास नहीं है तो अब मैं इसे इस तरह से शोपीस के जैसे यूज़ कर लेती हूँ। यहाँ पर मेरे पास फर्न की सूखी हुई पत्ती है जिसको कि मैंने गोल्डन एक्रेलिक कलर से पेंट कर लिया है। अच्छी तरह से सूख जाने के बाद ये बहुत खूबसूरत दिखती है। इस पत्ती के पीछे मैंने सेलो टेप लगा दिया है और उसे स्टिक कर दिया है अचार की बरनी पर। हाँ, अब हुआ ना लुक कंप्लीट, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। साफ सुथरा और सुंदर पैसेज सिर्फ हमें ही अच्छा नहीं लगता, पक्षियों को भी अच्छा लगता है और उनके आने से ये जगह कंप्लीट हो जाती है और ऊर्जावान भी लगती है। मेरा पोर्च तो सज गया। आप भी अपने एंट्रेंस, पोर्च या पैसेज एरिया को एक नया लुक दीजिए और इस खूबसूरती का आनंद उठाइए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक की बटन को एक बार क्लिक कर दीजिए। सब्सक्राइब ना किया हो मेरा चैनल तो अभी ही कर लीजिए और घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे जब भी नया वीडियो डालूं आप तक उसकी खबर पहुंच जाए। मेरे इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मेरे चैनल को अप्रिसिएशन मिलेगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक अपना बेहतर ख्याल रखिएगा। नमस्ते।